हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज सुबह से हम लोग के यहाँ बहुत बारिश हो रहा है, जिस बारिश का हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत ड्राई हो चुका था, बहुत डस्ट था एयर में और प्लांट्स वगैरह भी बहुत ड्राई हो गया था हम लोगों का। तो अभी बारिश चल रहा है बहुत ज़ोरों से और इसीलिए मैं भी बहुत खुश हूँ और मेरे प्लांट्स भी बहुत खुश हैं। और जनरली ऐसा बारिश होने से मैं ज़रूर एक वीडियो बनाती हूँ छोटा वाला, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, बारिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। और अभी विंटर के बाद अभी स्प्रिंग सीजन जा रहा है और समर आ गया है ऑलमोस्ट, तो प्लांट्स को बारिश नहीं मिलने से यू नो नाइट्रोजन की काफ़ी कमी होती है। तो इसीलिए, और देखिए काफ़ी आंधी अभी आया था और ये टब वगैरह भी मेरा गिर गया है, तो मैं देखिए इसे दिखाती हूँ इस साइड से। और बारिश की वजह से साउंड आपको शायद थोड़ा कम दिखेगा। ये देखिए बहुत ज़ोरों से हो रहा है बारिश और काफ़ी टाइम हो गया लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ इसीलिए। और मैं देखिए मेरे बरामदा में जो कुछ प्लांट्स थे सारा तो मैं बाहर नहीं दे पाई क्योंकि बहुत ज़ोरों से आंधी और तूफान आ गया था, लेकिन जितना हो सके मैं बरामदा का बड़ा बड़ा देखिए जनाडू वगैरह जो भी था और कुछ कैलाथियस मैं बाहर मैंने दे दिया है। देखिए मैं ज़्यादा दूर भी नहीं जा पाई थी, ग्रिल के सामने जितना हो सके दिया था। और ये देखिए कितना ज़ोर से हवा अभी भी है और इसलिए आपको शायद साउंड भी थोड़ा कम लग रहा होगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और यहाँ पर भी कुछ बोस्टन फार्म वगैरह जो भी है मुझसे जितना हो सके मैंने बाहर दिया है, क्योंकि ये सारे बहुत ड्राई हो चुके थे और इन सबको बारिश का जो नाइट्रोजन वाला पानी बहुत पसंद है। और फिर जो मेरे मैं जनरली क्या होता है, मैं जो भी मेरे शेड के नीचे प्लांट्स होते हैं वो बारिश आने से पहले हमेशा बाहर देती हूँ, लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिला, उससे पहले बारिश आ गया, तो इसलिए मैं वो सारा प्लांट्स तो दे नहीं पाई। और मैं अभी बरामदा में बरामदा से वीडियो बना रही हूँ, तो यू नो ग्रिल के बाहर अपना हाथ थोड़ा बाहर निकाल के आपको प्लांट्स दिखाना चाह रही थी, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़ोर से बारिश हो रहा है तो बाहर जाके तो वीडियो बना नहीं पाई। तो मैंने सोचा कि मेरे साथ आप भी बारिश का मज़ा लीजिए। ऐसा जब यू नो सडनली बारिश हो जाता है तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और प्लांट्स को बहुत ही पसंद है ये बारिश। और ये देखिए यहाँ तक तो बारिश का छींटा आराम से आ रहा है, क्योंकि प्लांट्स के पत्ता आप देख पा रहे हैं भीग रहा है, लेकिन कुछ प्लांट्स मेरे जो स्टैंड के ऊपर थे, जो मेरे शेड लविंग प्लांट्स का स्टैंड है, वो सब मैं नीचे नहीं दे पाई, मरांडा वगैरह, उन सबको भी बारिश बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि सडनली बारिश आ गया तो मुझे यू नो चांस नहीं मिला देने के लिए। और ये कुछ ये बेम्बू देखिए काफ़ी ड्राई हो चुका था, अभी ये थोड़ा अभी लाइवली होगा धीरे धीरे। अभी हम लोग के यहाँ पर इस सीज़न में बारिश लगातार होता रहेगा, तो आशा करती हूँ मेरे प्लांट्स खुश रहेंगे। और कुछ कुछ प्लांट्स में ज़्यादा बारिश के बाद मिली बाग वगैरह थोड़ा इशू हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होने वाला है अभी, तो प्लांट्स को अगर आपको वहाँ भी बहुत बारिश हो रहा है तो ज़रूर आप इन बिटवीन चेक कीजिए प्लांट्स में मिली बाग वगैरह है कि नहीं। तो अगर है तो उसका मैंने जो भी आपको पहले बोला है नीम वाटर या नीम का पानी वगैरह वो सब यूज़ कीजिए और मिली बाग को हटाइए, नहीं तो पूरा प्लांट ये धीरे धीरे ख़राब कर सकता है मिली बाग। और देखिए मेरा ये अरेलिया वगैरह रबर प्लांट्स सब काफ़ी हैप्पी है बारिश को लेके, और काफ़ी अभी सारा जो गार्डन है जो ड्राई हो चुका था अभी बहुत ही खिल जाएगा, ग्रीन हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये सीज़न में बारिश होने से प्लांट्स को काफ़ी राहत मिल जाता है, क्योंकि हम लोग के यहाँ विंटर काफ़ी ड्राई होता है, उसके बाद स्प्रिंग भी काफ़ी ड्राई होता है, बारिश वगैरह नहीं होता है, तो इसलिए अभी ये मौसम है बारिश का। तो सिंस आज बहुत दिनों के बाद हो रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ, और अभी बारिश को एंजॉय करने के लिए शायद चाय वगैरह कुछ पीऊँगी और यू नो अपने बरामदा से या अपने विंडो से बारिश का नज़ारा देखूंगी। आप लोग भी अपना गार्डन को एंजॉय कीजिए एंड स्टे एट होम एंड स्टे सेफ फ्रेंड्स। और ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर एंड जल्दी और एक वीडियो बनाऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।